वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आप दोनों को खाना कैसे कर लगा? हलवा पूरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। राम 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 राम। जी भटूरे बनाओगे क्या अभी? नहीं अभी क्या बन रहे हैं? ये कह रहा है भटूरे बन रहे हैं अभी। अरे बनेंगे भाई बनेंगे। मेरे को एक दो दिन से ना वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन पता है क्या है, जब आप एक बार वीडियो बनाना शुरू करते हो ना, एक कोई आप एक अपना अगर अपने लाइफस्टाइल में एक ऐसा काम पकड़ लेते हो कि वो आपको करना ही करना है, कि जो चीज़ आपके एक लाइफस्टाइल में रूटीन बन जाती है, तो वो काम किए बगैर आपका मन नहीं मानता कि हाँ, ऐसा लगता है कि पूरे दिन में कोई ना कोई चीज़ अधूरी सी हो गई है। कंटेंट बनाता हूँ तो मेरा क्या है कि काम मेरे को अगर मन नहीं करता ना बिल्कुल भी, लेकिन मेरे मन से आवाज़ आती है अंदर से कि यार ये काम करना ही करना है। थोड़ा ढंग से समझना, सुनना और सबको शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा, सबको पूरी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकता हूँ आप जरूर उनको शेयर करना, क्योंकि बहुत लोग बच सकते हैं इस चीज़ से। फिलहाल तो मैं ऊपर जा रहा हूँ छत पे कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए, कुछ टाइम पास होगा, और उसके बाद मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ कि मैं किस चीज़ के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बीच में मैं गया था, थोड़ा कटिंग वगैरह खुद से करी है, बाहर नहीं गया हूँ। शेविंग वगैरह भी घर पे ही करी है, भाई ने कटिंग करी थी, शेविंग मैंने खुद कर ली। और दूसरी चीज़ जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, वो चीज़ ये है कि पेटीएम के थ्रू जिन लोगों को कॉल आता है, एक दो दिन से मिस कॉल आ रही थी मेरे पास बार बार, क्या एक दो दिन बाद तो पता क्या हुआ, कॉल उठाई किसी ने, फिर किसी ने मुझे कहा कि आप मतलब आपका अकाउंट है पेटीएम में, तो मैंने कहा हाँ है पेटीएम में अकाउंट है। और दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे से कहा कि केवाईसी आपकी है नहीं पूरी, तो केवाईसी पूरी नहीं है, मैंने उसमें भी हाँ करा कि हाँ ठीक है, नहीं हो क्या पता ना हो केवाईसी रह गई हो किसी वजह से। लेकिन मैं बताऊँ आपको, अगर कोई आपसे कहता है ना कि केवाईसी पूरी ना हुई हो,
तो आप सबसे पहले ये देखो, आपके पास अगर पेटीएम का डेबिट कार्ड है, हैं, और आपके पास अगर पेटीएम अकाउंट बना हुआ है, आपका बैंक अकाउंट का मतलब केवाईसी पूरी है आपकी, जब डेबिट कार्ड आया हुआ है। तो कहा कि केवाईसी मेरी कंप्लीट नहीं हो सकती है, शायद मे भी ना हुई हो, तो वो तो सिर्फ मेरा एक बहाना था, क्योंकि वो मुझे पता था कि मेरी केवाईसी कंप्लीट है, और मैं उनसे सिर्फ उनका प्रोसीजर जानना चाह रहा था कि वो क्या क्या आगे बताते हैं मुझे, और किस तरीके से वो पैसा निकलवाते हैं आप लोग की जेब से। जिन लोग को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो यार इस वीडियो को बहुत शेयर करना, ये वीडियो हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो आपको साइड स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ कि ये प्रोसीजर होता है, वो क्या क्या बोलते हैं। तो प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपसे सबसे पहले वो क्या करते हैं, फ़ोन करके ये पूछते हैं कि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपको तो सबसे पहले ये बताते हैं। और दूसरी चीज़ बाद में वो कहते हैं कि आपकी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन के अंदर, और प्ले स्टोर ओपन करवाने के बाद आपसे वो लोग कहेंगे कि टीम व्यूवर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड करो। टीम व्यूवर एक सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं पे भी बैठ के किसी का भी लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, फ़ोन, कुछ भी कहीं पे भी किसी भी कोने पे बैठ के किसी दूसरे का आप चला सकते हो, किसी दूसरे का पीसी चला सकते हो, फ़ोन चला सकते हो, किसी भी दूसरे कोने पे बैठ के। अगर मैं चाहूँ, आप मान लो आप मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड बैठा है उत्तम नगर में और मैं बैठा हूँ राजौरी गार्डन में, तो मेरा फ्रेंड अगर मेरे साथ एक पासवर्ड शेयर कर देगा ना, तो उसका लैपटॉप या फ़ोन मैं चला सकता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इसी काम में यूज़ होता है, और इस चीज़ का यूज़ ये लोग क्या करते हैं, जिन लोग को नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं, फिर आपसे कहते हैं एक OTP आएगा। OTP नहीं होता, वो एक पासवर्ड होता है कि आप उस पासवर्ड को अगर वो शेयर कर देते हो ना, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो आपका पूरा फ़ोन और पूरा सिस्टम अपने फ़ोन में देख सकते हैं। आपके पास आपको कहेंगे कि आप अपना पेटीएम ओपन करो, पेटीएम ओपन करने के बाद आप अपना पासवर्ड ओपन करोगे, पासबुक ओपन करोगे, तो पासबुक ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है, तो पासवर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिक उनकी नज़रों में आ ही जाएगा कि आप पासवर्ड डाल रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप अपना मतलब पासवर्ड दे देते हो उसको, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा आपका पूरा फ़ोन अपने सिस्टम में देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो या आपके फ़ोन में क्या क्या है। फिर वो आपसे कहेगा आप अपना पेटीएम ओपन करके पासबुक ओपन करो। देखो, पासबुक ओपन करने के लिए फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, तो पासवर्ड डालने के लिए फिर बाद में क्या होता है कि पासवर्ड डालने के बाद आपका पासवर्ड उसको भी पता चल जाएगा। उसके बाद फिर जो ट्रांजेक्शन होती है, फिर वो आपकी मर्ज़ी से नहीं होती, वो उसकी मर्ज़ी से होती है। बस वो उससे पहले, ट्रांजेक्शन से पहले आपसे कहेगा कि अपना बैंक अकाउंट वगैरह ये सब डालो और अपना CV नंबर डालो। CV नंबर वगैरह या बैंक अकाउंट डिटेल भरवाता है तो समझदार बंदा तो पहली पहचान जाएगा कि ये क्यों करवा रहा है, जबकि आप सभी को पता है वैसे भी कि जो CV नंबर होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, और ट्रांजैक्शन बिना CV नंबर के होती नहीं है, और OTP के बिना भी नहीं होती है। तो आपका पासबुक जब आप ओपन करोगे, तो हो सकता है आपके पेटीएम में अकाउंट में पैसे हों, तो वो क्या करता है बंदा, आपका पासवर्ड आपका ओपन हो चुका देख लिया उस बंदे ने, अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी वो अपने पैसे अपने अकाउंट में लेने की कोशिश करेगा। बस वो आपसे फिर बाद में कहेगा OTP, जो होता है OTP, तो OTP मांगता है। तो बहुत से लोगों को जब पता ही नहीं तो OTP भी शेयर कर देते हैं, तो ये होता है प्रोसीजर इनका पैसे लेने का। यार ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। डिस्क्रिप्शन पे मैं वो दो नंबर दे दूंगा आपको, और हो सकता है अगर वो नंबर आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ मैं ताकि आप अलर्ट रहो, अगर इस नंबर से कोई कॉल आती है तो वो बिल्कुल भी बेकार है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कई बार तो ये लोग क्या करते हैं कि टीम व्यूवर नाम इन्होंने मतलब इन्होंने जो टीम व्यूवर एक वर्ड है, जो एप्लीकेशन का नाम है टीम व्यूवर, उन्होंने उस चीज़ को चेंज करके क्विक सपोर्ट नाम रख दिया। क्विक सपोर्ट के नाम से वो लोग अब दूसरों को फ़ोन करके बोलते हैं, क्विक सपोर्ट से सोचते हैं कि सामने वाले को एक ऐसा लगेगा कि हाँ भी सही में पेटीएम के थ्रू कॉल आया है। क्विक सपोर्ट अगर आप डालोगे तो वो सेम एप्लीकेशन आपके पास सामने खुल के आ जाएगी, टीम व्यूवर। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, टीम व्यूवर के अलावा भी एक एप्लीकेशन है एनी डेस्क रिमोट कंट्रोल, तो एक ये एप्लीकेशन भी है, और ये भी सेम काम करती है जो काम टीम व्यूवर करता है, सेम यही काम करती है। तो यार
आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में मतलब बिल्कुल भी पता नहीं होता, और कुछ लोगों ने तो बहुत पैसे गंवाए हैं अपने। तो बस यार यही इन्फॉर्मेशन देने वाली थी थोड़ी इस व्लॉग के अंदर, मैं सोचा दे दो, और कुछ ना कुछ शोर शराबा हो ही जाता है। यार क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, क्या करने आया, अपनी शक्ल दिखा दे, भाग दौड़ कर ले, तू भाग दौड़ कर ले, बस इधर उधर बैठ जा आराम से। यार व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन यार एक दिन से दो दिन से ना बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा, घर पे बैठ बैठ के दिमाग ख़राब हो गया है। और व्लॉग आप लोग को भी पता है यार, व्लॉग बाहर जाके ही अच्छे बनते हैं, घर पे क्या बनाएगा बंदा, समझ में नहीं आता यार बंदा घर पे क्या बनाए क्या ना बनाए। और जिन एप्लीकेशंस की बात मैं आपसे कर रहा था ना कि एप्लीकेशंस के थ्रू जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, और उसमें क्या है कि डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हो कि क्या नाम है और कौन सी एप्लीकेशन है। तो भी है लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।